दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो सैमसंग ने लॉन्च कर दिया सैमसंग गैलेक्सी M40 जो कि 18 जून से मिलना चालू हो जाएगा और इसका प्राइस जो है दोस्तों 6GB 128GB का 20,000 रुपये है। 20,000 रुपये है और 6GB 128GB और जिस प्रोसेसर पे आज इन चीज़ों के साथ आया है दोस्तों 20,000 के नीचे ये कम्पीट करेगा रेडमी नोट 7 प्रो को और रियलमी 3 प्रो को। तो अभी इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि ये कहाँ कम्पीट करता है रेडमी नोट 7 प्रो को। तो गैलेक्सी M40 और रेडमी नोट 7 प्रो दोनों को कम्पीट करेंगे और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन दोनों में ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों चलते हैं इस वीडियो की तरफ। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करना, मुझे बताना क्यों नहीं पसंद आया। दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं कंपैरिजन की, सबसे पहले ब्रांड के साथ। दोस्तों ये बहुत एक बड़ा पॉइंट है, सर्विस कैसा देते हैं वो लोग, आफ्टर सेल सर्विस, ये सारी चीजें। तो ब्रांड के साथ हाँ, सैमसंग एक बहुत बड़ा ब्रांड है बट शाओमी बहुत तेजी से अपना नाम ऊपर कर रहा है और इस टाइम इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन शाओमी का है। तो आप डिपेंड करता है कि दोनों में से आपको कौन सा पसंद आता है। अगर मैं सैमसंग को हाई करता हूँ तो मुझे गाली देंगे शाओमी वाले, अगर मैं शाओमी को ऊपर करता हूँ तो मुझे गाली देंगे सैमसंग वाले। दोनों बहुत अच्छे स्मार्टफोन बनाते हैं, शाओमी ने बहुत अच्छा काम किया था और सैमसंग कमबैक कर रहा है बहुत अच्छे स्मार्टफोन्स के साथ। तो मेरे हिसाब से दोनों एक बराबर हैं, डिपेंड करता है कि आप किसको पसंद करते हो। अगर आप शाओमी के फैन हो तो आप शाओमी की तरफ जा सकते हो, अगर आप सैमसंग के फैन हो तो सैमसंग की तरफ जा सकते हो। उसके बाद दूसरा है दोस्तों डिस्प्ले और डिज़ाइन। डिस्प्ले 90% सेम है, साइज दोनों का 6.3 इंच का ही है, 6.3 6.4 के बीच का ही है। देन दोनों फुल एचडी प्लस के हैं, 1080x2340 का रिजोल्यूशन है, 85% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, 409 का पिक्सल पर इंच पिक्सल डेंसिटी है। तो सारी चीज़ें सेम है। अब नॉच में डिफरेंसेस हैं क्योंकि आपको रेडमी नोट 7 प्रो में वाटर ड्रॉप नॉच मिलता है जिसको इन्फिनिटी यू नॉच कहते हैं सैमसंग वाले, एंड सैमसंग के फ़ोन में आपको इन्फिनिटी ओ यानी पंचकोण वाला नॉच मिलता है। तो दोनों में कैमराज हैं, अपने अपने नॉच हैं। नया होने की वजह से सैमसंग थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, वाटर ड्रॉप थोड़ा सा पुराना हो गया, बहुत सारे स्मार्टफोन्स में आता है। तो डिपेंड करता है आपको कौन सा पसंद है। उसके अलावा दोनों में गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है, जहां रेडमी नोट 7 प्रो आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देता है फ्रंट और बैक साइड में, वहीं पे सैमसंग M40 जो है दोस्तों वो डिस्प्ले पे आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देता है। रियर साइड में उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है, प्लास्टिक दिया हुआ है, पॉलीकार्बोनेट है जिसे वो ग्लासिक मटेरियल कहते हैं। रियर साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिल जाएगा आपको सैमसंग के फोन में, जहां की रेडमी के फोन में आपको सिर्फ ड्यूल कैमरा का सेटअप मिलता है। दोनों पे फिंगरप्रिंट स्कैनर रियर साइड पे है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पसंद आता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दूसरा पॉइंट है प्रोसेसर। प्रोसेसर की बात करें दोस्तों तो इसमें 675 का प्रोसेसर आता है स्नैपड्रैगन दोनों में, तो प्रोसेसर में कोई डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेगा। 675 की बात करें दोस्तों तो अच्छा प्रोसेसर है, केपेबल है, मिड रेंज का सबसे पावरफुल प्रोसेसर में से एक है, एंड ऑक्टा कोर है, 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी बेस्ड है, यानी बैटरी एफिशिएंसी कमाल की मिलेगी आपको। जैसे मैंने कहा ऑक्टा कोर है तो 8 कोर में से 2 कोर जो है दोस्तों 2 GHz पे क्लॉक्ड है, जो कि ऑब्वियसली क्रायो 460 वाले कोर्स हैं, और बाकी 6 कोर जो है 1.7 GHz पे क्लॉक्ड है, ये भी क्रायो 460 वाले कोर्स हैं एंड अच्छे कोर्स हैं। परफॉर्मेंस अच्छा खासा मिल जाएगा, 180,000 के आसपास का इसका स्कोर है। एड्रीनो 612 के साथ आता है, तो गेमिंग और ग्राफिक्स सब कुछ अच्छी तरह चलेगा, स्मूथ मक्खन की तरह, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। एंड्रॉइड 9 पाई के साथ आते हैं दोनों, अपने अपने UIs हैं, जहां आपको रेडमी नोट 7 प्रो में MIUI 10 मिलेगा, वहीं आपको सैमसंग M40 में आपको One UI मिलता है दोस्तों। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पसंद हो। दोनों के UI बहुत अच्छे हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, सच में दोनों के UI बहुत ही स्ट्रीमलाइंड हैं और बहुत ही स्मूथ हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक्सपीरियंस UI पहले आता था सैमसंग का, वो थोड़ा सा लैगी होता था, लेकिन वन UI जो उन्होंने काम किया है सच में बहुत अच्छा है। तो डिपेंड करता है कि दोनों में से आपको कौन सा पसंद आता है, कोई भी डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब आते हैं कैमरा में, तो कैमरा में दोनों स्मार्टफोन के अपने अपने प्रोज हैं, अपने अपने कॉन्स हैं। जहां बात करोगे अगर Redmi Note 7 Pro की, तो वहां पे ड्यूअल कैमरा है, इसीलिए आपको ज़्यादा यूटिलिटी नहीं मिलेगा, सिर्फ एक कैमरा 48 MP है, पावरफुल है बट यूटिलिटी नहीं मिलेगा। अब मैं बता दूं, पहले टेक्निकलिटीज़ पे बात करते हैं। Redmi Note 7 जो चाइना में आया था, इंडिया में Redmi Note 7S के नाम से आया है, Redmi Note 7S, उसमें जो 48 MP है वो सैमसंग GM1 का सेंसर है। उसके बाद Redmi Note 7 Pro में जो 48 MP है वो सोनी IMX586 का सेंसर है। तो सोनी IMX586 ओरिजिनल 48 MP है, GM1 वाला जो सैमसंग का GM1 वाला सेंसर है जो कि Redmi Note 7S में है वो ओरिजिनल नहीं है, वो 4-in-1 pixel वाला होता है और आपको सिर्फ 12 MP का ही फोटोग्राफी देता है। अब मैं बात ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सैमसंग में जो 32 MP है वो ब्राइड GD1 का सेंसर है, ये भी 4-in-1 pixel ही है, यानी 32 MP है लेकिन आपको देगा सिर्फ 8 MP की फोटोग्राफी। तो ये थोड़े डिफरेंसेज हैं, लेकिन यूटिलिटी वाइज ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसमें 3 कैमराज हैं, 32 + 8 + 5। 32 वाला जो है PDF का सेंसर है, ऑब्वियसली आपको नॉर्मल फोटोग्राफी के लिए प्राइमरी सेंसर है,
अच्छी खासी फोटोज दे देगा। देन उसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी है जो कि आपको उसमें नहीं मिलता Redmi Note 7 Pro में, एंड 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। तो यूटिलिटी अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली सैमसंग ज्यादा बेटर है क्योंकि उसमें 3 कैमराज हैं, और पावरफुल अगर कैमरा चाहिए रियर साइड पे तो आपको Redmi Note 7 Pro ज्यादा अच्छा लगेगा। दोनों के अपर्चर F1.8 और F1.7 के हैं, एंड बाकी सारी चीजें ठीक है। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30 फ्रेम पर सेकंड पे, बुके, पैनोरामा, HDR सब कुछ मिल जाएगा, AI सपोर्ट मिल जाएंगे सब में, AI के फीचर्स जो भी है सारे मिल जाएंगे दोनों में, तो अच्छे कैमराज हैं। अब डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चाहिए, पावरफुल कैमरा चाहिए या फिर ज्यादा यूटिलिटी वाला कैमरा चाहिए, तो डिपेंड करता है आप कैसे ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपर हैंड रखता है सैमसंग, कहाँ पे, सेल्फी कैमरा में थोड़ा सा ज्यादा नहीं, 16 मेगापिक्सल का आपको सैमसंग में मिलता है और 13 मेगापिक्सल का आपको मिलता है Redmi Note 7 Pro में। दोनों के अपर्चर F2.0 के हैं, 1080 रिजोल्यूशन वाली वीडियो निकाल सकते हो, बोके, पैनोरामा सब कुछ मिल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पसंद आता है, लेकिन सेल्फी कैमरा में हाँ Redmi Note 7 थोड़ा सा नीचे है एज कम्पेयर टू सैमसंग। अब आते हैं बैटरी डिपार्टमेंट में, तो बैटरी डिपार्टमेंट में आपको दोनों में अपने अपने प्रोज हैं, अपने अपने कॉन्स हैं, सब में यही प्रॉब्लम चल रहा है। जहां बड़ी बैटरी के साथ Redmi Note 7 Pro ऊपर जाता है थोड़ा सा, वहीं फास्ट चार्जर के साथ सैमसंग भी उसके पीछे ही है, पीछे नहीं कहेंगे उतने ही लेवल पे है। 4000 mAh की बैटरी, टाइप सी का पोर्ट, बट सिर्फ 10 वॉट का चार्जर मिलता है आपको Redmi Note 7 Pro में। हाँ फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है लेकिन चार्जर जो मिलता है आपको 10 वॉट का ही मिलता है साथ में। उसके बदले आप सैमसंग गैलेक्सी M40 के पास जाओगे तो वहाँ पे 3500 mAh की बैटरी है, यानी थोड़ी सी छोटी है, टाइप सी का ही पोर्ट है, लेकिन 15 वॉट का चार्जर मिलता है, फास्ट चार्जर मिलता है जो कि आपको आराम से सवा एक घंटे में पूरी बैटरी को फुल चार्ज कर देगा। तो उस हिसाब से दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। जहाँ Redmi जो है 4000 mAh की बैटरी रखता है बड़ी वाली, वहीं 15 वॉट का चार्जर आपको देता है सैमसंग गैलेक्सी M40। सेंसर्स में दोनों में कोई इशू नहीं आएंगे, सेम सेंसर्स हैं, रियर साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है, फेस अनलॉक अच्छे से काम करता है, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, कंपास, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, सब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सारे सेंसर्स में बड़े ब्रांड्स कोई इशू करते नहीं है, सैमसंग अपने छोटे स्मार्टफोन्स में करता है थोड़े से, बट 20,000 के स्मार्टफोन में नहीं करेगा, कोई भी सेंसर्स में इशू नहीं है, आपको सारे सेंसर्स मिल जाएंगे, सेंसर्स में कोई इशू नहीं है दोस्तों। लास्ट पॉइंट पे आते हैं स्लॉट वेरिएंट और प्राइस। अब स्लॉट की बात करें तो जहां अभी सैमसंग ने सिर्फ एक ही वेरिएंट लेकर आया, हो सकता है फ्यूचर में बड़े वेरिएंट लेकर आए, लेकिन अभी उनके पास एक ही वेरिएंट है 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला। वहीं रेडमी में दो वेरिएंट हैं, एक 4GB 64GB, दूसरा 6GB 128GB। कंपैरिजन दोनों के 6GB 128GB में करते हैं तो दोनों के प्राइस की बात करें अगर, तो सैमसंग जो है दोस्तों वो 20,000 में है 6GB 128GB, वहीं सिर्फ 17,000 में आपको मिलता है Redmi Note 7 Pro। अच्छा है, लेकिन स्लॉट की अगर आप बात करोगे तो सैमसंग यहाँ पे आपको डेडिकेटेड स्लॉट देता है, यानी दो सिम कार्ड के साथ एक SD कार्ड यूज़ कर सकते हो, अगर कम पड़ा तो और भी यूज़ कर सकते हो और 1TB तक बढ़ा सकते हो। वहीं इसके बदले Redmi Note 7 Pro जो है दोस्तों वो हाइब्रिड स्लॉट के साथ आता है, या फिर दो सिम कार्ड यूज़ करो या तो एक सिम कार्ड और एक SD कार्ड, वो भी 256GB तक एक्सपांड कर सकते हो। तो अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो हाँ Redmi के पास वेरिएंट ज़्यादा हैं और चीप प्राइस पे, बट सैमसंग के पास आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिलता है दोस्तों। तो डिपेंड करता है कि अगर आपको एक्सपांडेबल मेमोरी चाहिए वो भी डेडिकेटेड स्लॉट के साथ, तो आप सैमसंग की तरफ जा सकते हो, या कम प्राइस पे आपको चल जाएगा हाइब्रिड स्लॉट के साथ तो आप जा सकते हो Redmi Note 7 Pro की तरफ। तो कंफ्यूज हो गए हो, एक्चुअली मैं बताता हूँ, मैंने लिख के रखा है यहाँ पे सारा चीज़, पूरा नोट करके रखा है कि क्या क्या चीज़ें। अगर आप Xiaomi के फैन हो और अगर आपको छोटे वेरियंट चाहिए या फिर सस्ते वेरियंट चाहिए, Gorilla Glass 5K प्रोटेक्शन के साथ 48 मेगापिक्सल का पावरफुल कैमरा और बड़ी बैटरी, तो आप जा सकते हो Redmi Note 7 Pro की तरफ। उसके बदले अगर आप सैमसंग के फैन हो और ब्रांड वैल्यू में विश्वास रखते हो और Infinity O डिस्प्ले चाहिए कुछ नया, उसके साथ साथ कैमरा में ज़्यादा वैरायटी चाहिए आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर वाली, एंड अच्छी सेल्फी चाहिए दोस्तों, उसके साथ फास्ट चार्जर चाहिए और डेडिकेटेड स्लॉट चाहिए, तो आप जा सकते हो सैमसंग गैलेक्सी M40 की तरफ। ऑब्वियसली अगर ऊपर से देखोगे तो सैमसंग जो है दोस्तों टोटल काउंटिंग में एक दो फीचर्स ज़्यादा रखता है, बट प्राइस भी थोड़ी सी ज़्यादा है, 3000 रुपये। अगर आप पे कर सकते हो तो अच्छा है, मैं दोनों में से किसी को खराब नहीं कर रहा हूँ, दोनों स्मार्टफोन के अपने अपने अच्छे फीचर्स हैं, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पसंद आता है दोस्तों। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिए, मुझे बताइए क्यों नहीं पसंद आया, और भी बहुत सारे वीडियोज उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो सपोर्ट करने के लिए, साइड में देखो वेक्टर इमेजेस पर क्लिक करके सपोर्ट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।